रामायण की कहानी राम सेतु में गिलहरी का क्या योगदान था। दोस्तों, हमने काफी बार रामायण सुनी भी है और देखी भी है। उसमें गिलहरी के योगदान की बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं। चलिए आज से फिर से दोहराते हैं, अपनी यादों को ताजा करते हैं कि आखिर छोटी सी गिलहरी का क्या योगदान रहा था रामायण में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, माता सीता का हरण होने के बाद भगवान श्री राम को लंका तक पहुंचने के लिए उनकी वानर सेना जंगल को लंका से जोड़ने के लिए समुद्र के ऊपर पुल बनाने के काम में लग जाती है। पुल बनाने के लिए पत्थर पर भगवान श्री राम का नाम लिखकर पूरी सेना समुद्र में पत्थर डालती है। भगवान श्री राम का नाम लिखे जाने की वजह से पत्थर समुद्र में डूबने के बजाय तैरने लगते हैं। यह सब देखकर सभी वानर काफी खुश होते हैं और तेजी से पुल बनाने के लिए पत्थर समुद्र में डालने लगते हैं। भगवान राम पुल बनाने के लिए अपनी सेना के उत्साह, समर्पण और जुनून को देखकर काफी खुश होते हैं। उस वक्त वहां एक गिलहरी भी थी जो मुंह से कंकड़ उठाकर नदी में डाल रही थी। उसे ऐसा बार बार करते हुए एक वानर देख रहा था। कुछ देर बाद वानर गिलहरी को देखकर मजाक बनाता है। वानर कहता है, हे गिलहरी, तुम इतनी छोटी हो, समुन्दर से तो दूर ही रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इन्हीं पत्थरों के नीचे दब जाओ। यह सुनकर दूसरे वानर भी गिलहरी का मजाक बनाने लगते हैं। गिलहरी यह सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। भगवान श्री राम भी दूर से यह सब देख रहे होते हैं। गिलहरी की नजर जैसे ही भगवान राम पर पड़ती है, वो रोते रोते भगवान राम के समीप पहुंच जाती है। परेशान गिलहरी श्री राम से सभी वानरों की शिकायत करती है। तब भगवान राम खड़े होते हैं और वानर सेना को देखते हैं कि गिलहरी ने जिन कंकड़ों व छोटे छोटे पत्थरों को फेंका था, वो कैसे बड़े पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहे हैं। भगवान राम कहते हैं, अगर गिलहरी इन कंकड़ों को नहीं डालती तो तुम्हारे द्वारा फेंके गए सारे के सारे पत्थर इधर उधर बिखरे रहते। यह गिलहरी के द्वारा फेंके गए पत्थर ही है जो इन्हें आपस में जोड़े हुए है। पुल बनाने के लिए गिलहरी का योगदान भी वानर सेना के सदस्य जैसा ही अमूल्य है। इतना सब कहकर भगवान राम बड़े ही प्यार से गिलहरी को अपने हाथों में उठाते हैं। फिर गिलहरी के कार्य की सराहना करते हुए श्री राम उसकी पीठ पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरने लगते हैं। भगवान के हाथ फेरते ही गिलहरी के छोटे से शरीर पर उनकी उंगलियों के निशान बन जाते हैं। तब से यही माना जाता है कि गिलहरियों के शरीर पर मौजूद सफेद धारियां कुछ और नहीं बल्कि भगवान राम की उंगलियों के निशान के रूप में मौजूद उनका आशीर्वाद है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? दूसरे के कार्य का मजाक हमें नहीं बनाना चाहिए। कार्य में किसी भी तरह का योगदान महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ दूसरों के द्वारा मजाक बनाए जाने के बावजूद आपको अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी, जो कि रामायण से थी, राम सेतु में गिलहरी का क्या योगदान था, जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।